डियर व्यूअर, स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में हम सीखेंगे ऑन टाइम सॉफ्टवेयर में सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑन टाइम सॉफ्टवेयर लॉगिन करेंगे। ऑन टाइम सॉफ्टवेयर के आइकन पर डबल क्लिक करोगे, लॉगिन पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड। लॉगिन होने के बाद आप डायरेक्ट एम्प्लॉय मास्टर में जाओगे। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय मास्टर का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। आप यहाँ से भी जा सकते हो या मास्टर ऑप्शन में भी होता है एम्प्लॉय मास्टर, इस पर क्लिक करोगे। ये टोटल एम्प्लॉय की लिस्ट आ जाएगी। जिस भी एम्प्लॉय की सैलरी आपको बनानी है उस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक मॉडिफाई। जैसे मॉडिफाई करोगे ये विंडो ओपन होकर आएगी। इसमें सबसे लास्ट ऑप्शन आएगा शो ऑल टैब्स। जैसे ही आप शो ऑल टैब्स के चेकबॉक्स को चेक करोगे ऊपर कुछ ऑप्शन हाईलाइट होंगे। उसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, सेकंड ऑप्शन फैमिली मिस डिटेल, एंड थर्ड ऑप्शन होगा आपको अर्निंग एंड डिडक्शन। इस पर क्लिक करना है आपको मॉडिफाई। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप सैलरी फिल कर रखी है। यहाँ पे आप इसे रिमूव करके मैं 20,000 कर देता हूँ। ये बाकी अलाउंस भी आप फिल कर सकते हो, जैसे HR कन्वेंस स्पेशल अलाउ और अदर अलाउ भी होते होंगे तो आप फिल कर सकते हो। आप डिडक्शन में अगर कोई बंदा एडवांस सैलरी लेता है तो उसका डिडक्शन भी फिल करके डिडक्ट कर सकते हो। सेव करोगे, यस ओके, अगेन सेव, यस ओके। ऐसे ही आप टोटल एम्प्लॉय की सैलरी आप पहले फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद सैलरी रिपोर्ट देखने के लिए आपको सबसे पहले अटेंडेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अटेंडेंस कैलकुलेट करने के पे क्लिक करोगे ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको मंथ सेलेक्ट करना है, फिर कैलकुलेट अटेंडेंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको कैलकुलेट सैलरी। आपको अटेंडेंस कैलकुलेट होने के बाद एक बार के सैलरी कैलकुलेट करनी है, यस ओके। उसके बाद रिकैलकुलेट सैलरी का ऑप्शन हाईलाइट होगा, आप रिकैलकुलेट कर सकते हो या डायरेक्ट पे स्लिप पे क्लिक कर सकते हो, यस। यहाँ से आपको ये एम्प्लॉय की पे स्लिप मिल जाएगी। आप नेक्स्ट करके बाकी एम्प्लॉय का भी देख सकते हो। अगर आपको पे स्लिप नहीं देखना है, सैलरी समरी देखना है, तो आप इसको क्लोज करोगे, एग्जिट करोगे। यहाँ पे रिपोर्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपको सैलरी रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको कई सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, पे स्लिप, सैलरी समरी, पैड एज मैट्रिक्स, रेट एज अ मैट्रिक्स। जैसे अभी सैलरी समरी हम देखते हैं, मंथ सेलेक्ट करोगे, जनरेट पे क्लिक करोगे। इस एम्प्लॉय की हमने सैलरी फिल रखी कर रखी थी विकेश कुमार। इसका होलीडे 0 आ रहा है, वीकली अप 2 आ रहा है, लिप्स 0 आ रहे हैं, ऑन ड्यूटी 0 आ रहे हैं, वर्किंग डेज 11 आ रहे हैं और 2 वीकली ऑफ प्लस 13 हो गया। तो 13 डेज की सैलरी कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखा रहे हैं 8387, ओके।